गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव। टुडे वी विल रीड द चैप्टर 3 हेल्दी हैबिट्स फ्रॉम योर ईवीएस बुक। लेसन नंबर 3 हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स का मतलब होता है अच्छी आदतें। ए हैबिट इज फॉर्म्ड व्हेन यू डू द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। जब हम एक आदत को बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। किसी भी एक्टिविटी को हम बार बार रोज़ उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। गुड एंड हेल्दी हैबिट कीप अस फिट एंड हैप्पी। अच्छी आदतें हमें फिट और हैप्पी रखती हैं। अच्छी आदतें हमें फिट और हैप्पी, यानी कि हम उसे स्वस्थ रहते हैं और खुश भी रहते हैं। हेयर आर सम गुड हैबिट्स दैट यू कैन डेवलप। आज हम अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे और उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएंगे, यानी कि रोज़ उन आदतों को हम करेंगे। सबसे पहली आदत क्या है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ग्रीट योर एल्डर। गेट अप माने जल्दी उठना है। इन द मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है, रात को जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह आपको 6 o'clock उठ जाना है, ये एक गुड हैबिट में है। एंड ग्रीट माने अपने जो बड़े हैं, यानी कि मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ताऊ और ताई, सभी को ग्रीट माने प्रणाम करना है। सबसे पहले वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमें दूसरी अच्छी आदत को अपनाना है कि वॉश हैंड, हमें साबुन से अपने हाथों को धोना है और साबुन और पानी से अपने हाथों को धोना है। जब आप टॉयलेट करके बाहर आओ, टॉयलेट से बाहर आओगे तो उसको अपने हाथों को मतलब कि साबुन और पानी से धोना है। और वैसे भी अब कोरोना है, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। आपको 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने हाथ धोने होते हैं। अपने हाथों को इतना साफ रखना है कि हमें कोरोना ना हो जाए। क्वेश्चन फिर है हमारी अच्छी आदत तीसरी, ब्रश योर टीथ बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट। आपको खाना खाने के बाद ब्रश योर टीथ बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद आपको अपने दांतों को साफ करना है, यानी कि जब भी हम खाना खाएंगे उसके बाद आपको कुल्ला करना है और ब्रश करना है। फिर चौथी हैबिट है टेक ए बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें रोज़ नहाना है और साफ सुंदर कपड़े पहनने हैं। यूज़ अ हैंडकरचीफ टू वाइप योर नोज़ व्हेन यू आर स्नीज एंड कफ और यार। आपको एक साफ सुथरे रुमाल का यूज़ करना है। कब? जब आपको छींक आती हो, स्नीज माने छींक, कफ माने आपको कफ खांसी आती है, और जान जब आपको उबासी आती है तब भी आपको साफ रुमाल का यूज़ करना है। ड्रिंक मिल्क ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें दूध पीना है, हरी सब्जी खानी है और फ्रूट्स खाने हैं। एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोज़ काफ़ी सारा पानी पीना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यू ईट देम। आपको वॉश फ्रूट्स, अपने जो फ्रूट जो आपके फ्रूट्स हैं उनको खाने से पहले उनको धोना है और वेजिटेबल को भी धोकर खाना है। कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। आपको इधर उधर सामान नहीं फेंकना अपना, आपको जो आपकी मम्मी ने उनका प्रॉपर प्लेस बनाया हुआ है उसको अपने स्थान पे ही रखना है। बॉल को बॉल की जगह पे,
ट्वाइस को ट्वाइस की जगह पे, अपने कपड़ों को कपड़ों की जगह पे रखना, इधर उधर नहीं फेंकने। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करनी है रोज, आपको व्यायाम करना है, योगा करना है। योगा करने से आप कोरोना से भी बच जाओगे और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। थ्रो गारबैग्स इन द डस्टबिन, आपको डस्टबिन में ही गंद को फेंकना है, जो आपका वेस्ट घर में वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि इधर उधर कागज़ नहीं फेंकने, इधर उधर आपने चिप्स खाए उसके रैपर जो होते हैं इधर उधर नहीं फेंकने, उनको प्रॉपर जगह पे डस्टबिन में ही डालना है। गो टू बेड अर्ली, और रात को जल्दी सो जाना है। कहा भी गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। आपने एक कविता सुनी होगी अपनी मम्मी से या अपनी टीचर से, अर्ली टू बेड, जल्दी उठ, जल्दी सो, जल्दी उठो। टू राइज मेक ए मैन, मतलब कि एक व्यक्ति को, हमें तुम सबको हेल्दी बन जाओगे, वेल्थी बन जाओगे और वाइज इंटेलिजेंट भी बन जाओगे। इंटेलिजेंट बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। थैंक यू।